हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बांसू. ओके बेटा, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट होम. सो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1. ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग. और इससे पहले हम 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम और शेप कैसी होती है. बताइए कैसी होती है? फिक्स्ड होती है. ओके, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और उनकी जो शेप है वो भी फिक्स होती है, बिकॉज दे हैविंग ए डेफिनेट बाउंड्री. ऐसा नहीं कि हमारी जो बेंच है वो रात को पिघल के छोटी हो गई या बेंच से कुछ और बन गया, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस की थी लिक्विड में. लिक्विड की जो शेप और वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है? शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स होती है. बट गैसेस में दोनों ही फिक्स नहीं होती है, ना इधर वॉल्यूम नॉर शेप. ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस. तो हमने देखा था कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो कैसे होता है, बहुत कम होता है. लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम होते हैं. ठीक है, और गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है. और हमने एक सेम चीज डिस्कस की थी, कंप्रेसिबिलिटी, कि दबा सकते हैं. तो सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, नील होती है. लिक्विड में सेम है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम होती है. ओके, और गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी वो हाईएस्ट होती है. अब हम अगली 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. रेडी हैं आप सब? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होता है? देखिए बेटा, फ्लूइडिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली आपने एक चीज देखी होगी, फॉर एग्जांपल कई बार बच्चे होते हैं वाटर ड्रिंक करते हैं क्लास से और बाय द वे उनसे क्लास छूट गया. ओके, और ये जो क्लास है इसका पानी क्या हो गया, जमीन पे, फर्श पे स्पिल हो गया. अब ये वाटर था तो यहाँ पे लेकिन ये स्पिल होता हुआ यहाँ चला गया. ओके, और जनरली हाउसेस में होता रहता है कि जो आपके फ्लोर है वो बहुत स्लीपी होता है और वाटर गिरने के बाद तो कोई भी अगर बंदा यहाँ पे आया, ठीक है, तो पता लगा कि वो क्या हो गया, स्लिप हो गया. अंडरस्टैंड? और स्लिप होने के बाद कंडीशन क्या होती है आपको पता है? ये फैलिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, तो ये हुआ कैसे? देखिए, क्योंकि वाटर में प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी. अंडरस्टैंड? दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर आपने उसको एक जगह पे डाला है तो एक ही जगह पे तो रुक जाता है यहीं पे, इज इट क्लियर? तो वो शायद वो फिसलते ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, वाटर खुद पे खुद जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया. अंडरस्टैंड? और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी. अंडरस्टैंड? तो ये मेरी प्रॉपर्टी किसी होती है लिक्विड. तो आप क्या कहेंगे, क्या सॉलिड में फ्लूइडिटी है? नो, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं है. लेकिन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रिजिडिटी. रिजिडिटी यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कांट कंप्रेस देम. ओके, लेकिन अगर फ्लूइडिटी की बात है तो क्या फ्लूइडिटी होगी सॉलिड्स में? नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बेंच एक जगह रखोगे तो एक ही जगह रहेगी. हाँ, वो बात अलग है कि आपने उसमें व्हील्स लगा रखे हैं और व्हील्स को भी आपको हल्का सा कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी वो दूसरी प्लेस में जाएगी. ओके, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लूइडिटी. वो फ्लूइड से दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, क्या गैसेस में फ्लूइडिटी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको पता है आप गैसेस को आपको भी उनकी में गैस है बट जैसे आप ओपन करेंगे वो जो एयर है वो मूव करेगी, इज दैट क्लियर? तो इसमें भी फ्लूइडिटी. आई होप तुम्हें फ्लूइडिटी समझ में आ गई होगी, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. देखिए एक चीज खास आपको ध्यान रखनी है बेटा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की अपोजिट है. भाई इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब क्या होता है? इनके बीच में जो स्पेस है. अंडरस्टैंड? और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन
name is Ram. R you can see that. इसका एक head है जिसका नाम है S. Understand? और R का एक और friend है जिसका नाम है M. Understand? अब देखिए जो R है ये S के साथ इसकी बहुत fast friendship. कैसे friendship है fast? तो हम क्या कह सकते हैं? These are close friends. ठीक है? R और M की भी दोस्ती है, but that is normal friendship. तो हम क्या करेंगे? Only friends. Understand? अब देखिए ये जितने close friends हैं, उतने ही इनके बीच में जो space है, space means not कि एक दूसरे से हम connect रहेंगे, वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, नहीं. Space का मतलब है कि एक दूसरे से बातें share करते हैं, ठीक है? इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है. दे नो ईच अदर. ओके, एक दूसरे की बातें जानते हैं, एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पता है. तो इन क्योंकि ये क्लोज फ्रेंड्स हैं तो इनके बीच में स्पेस क्या होगा? कम हो गया. इज इट क्लियर? क्लोज फ्रेंड है तो इनके बीच में स्पेस क्या हो गया? कम हो गया. लेकिन ये क्या है? ये क्लोज फ्रेंड्स नहीं तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गया. इज इट क्लियर? यानी क्लोज फ्रेंड है तो स्पेस क्या हो गया? कम हो गया. अगर स्पेस कम है इसको मतलब हम क्या करें? क्लोज फ्रेंड है, बहुत पास पास है. अगर स्पेस ज्यादा है मीन्स वो बहुत दूर दूर है, क्लोज फ्रेंड्स नहीं है. सेम चीज यहाँ पे समझना इसको जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, देखिए अब मैं बात कर रही हूँ सोलर से. सोलर में क्या जो स्पेस है वो कैसा था आपको साइन दिख रहा होगा? बहुत कम है. स्पेस कम होने का मतलब है स्पेस क्या है? कम है. यानी इनके बीच में जो क्लोजनेस है वो क्या होगी? ऑफकोर्स ज्यादा होगी. भाई जब इनमें स्पेस कम क्यों है? क्योंकि ये बहुत क्लोज है. यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है ना, वो बहुत एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके बीच में जो स्पेस है वो कम है. यानी अगर आपको ये पॉइंट याद है कि इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आप अट्रैक्शन बता देंगे. क्योंकि आपको पता है इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है सॉलिड में कम है, इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. लिक्विड में क्या होता है? तो लिक्विड में देखिए मीडियम है. तो मीडियम कहने का मतलब आप क्या कहेंगे? हमने देखा था कि इनका जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. यानी इनका जो अट्रैक्शन है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वो सॉलिड से कम होगा. ओके, चलिए गैस की बात करते हैं. गैस में क्या होगा? स्पेस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है. स्पेस हाईएस्ट होने का मतलब है इनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम है, सबसे कम है, लीस्ट कह सकते हैं, लीस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. अब इसमें लीस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, लेकिन लिक्विड्स में तो क्या है, इसके कंपैरिजन में स्पेस ज्यादा कम था, यानी मीडियम है. तो इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस या अट्रैक्शन होगा वो गैसेस के कंपैरिजन में कैसा होगा? ज्यादा. समझ में आई बात? यानी जनरली आपको याद रखना करना देखिए कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड में सबसे कम है, लेकिन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है. ओके, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अंडरस्टैंड? ये याद रखना. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में मॉडरेट, जिसको हम दो एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, और गैसेस में लीस्ट सबसे कम. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस को हटा दीजिए, अब हम बात करें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की. तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड के कंपैरिजन में कम और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा, और गैसेस में सबसे लीस्ट. क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा तो हम इसी से करते हैं. लास्ट हमारे पास है अगला क्या पॉइंट? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. स्पेशली हम इसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए आपको याद होगा जब हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था. क्या बताया था? कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी व्हिच इज पॉसेस ड्यू टू मोशन. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इट मींस दैट शुड बी डिपेंड ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी. भाई ये सिर्फ पार्टिकल के मामले में नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं एक बंदा बहुत जोर से दौड़ रहा है, ठीक है, और एक बंदा बहुत स्लोली चल रहा है, ठीक है, उसने लकड़ी पकड़ के हाथ में उसके बाद चल रहा है. तो यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी
in comparison to the kinetic energy of that person. Clear? Same हम particles के बारे में हैं कि kinetic energy किस पे depend करती है, particles पे depend करती है. Okay, अब particles कौन से move करेंगे, कौन से particles move करेंगे? भाई for example एक जगह पे बहुत सारा vehicle जा रहा है, ठीक है, एक vehicle, दो vehicle, तीन vehicle बहुत सारे हैं, they can move. क्या मूव करेंगे बताइए? नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ठीक है. यानी कौन से व्हीकल मूव करेंगे जिनमें स्पेस है, ये व्हीकल आराम से मूव करेगा. ओके, तो सेम अगर यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो किसकी, क्या सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? लीस्ट. कैसे होगी? लीस्ट. क्यों? क्योंकि स्पेस है ही ना, पार्टिकल्स तो बहुत कॉम्पैक्टली पैक है, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो इनमें स्पेस है नहीं, स्पेस नहीं है तो वो मूव करेंगे नहीं, यानी बहुत नेग्लिजिबल ना प्रॉब्लम हो गए. लिक्विड की क्या बात है? तो सेम बात आ जाएगी, लिक्विड में तो क्योंकि स्पेस है तो वो सॉलिड से ज्यादा मूव कर सकते हैं लेकिन गैसेस से कम मूव करेंगे. ओके, और अगर बात करें गैसेस की तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है तो वो बहुत इजीली स्ट्रॉन्गली मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह दौड़े दौड़े फिरेंगे, ठीक है, रैंडमली मूवमेंट. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की कंपेरेबल स्टडी. ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिर्फ ये क्लास नाइन्थ के लिए नहीं, आगे भी अगर आपको स्टडी करना है इलेवन ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. ओके, आई होप एवरीथिंग शुड बी ओके. हैव ए गुड डे, बाय.